राम के नाम से पत्थर तैर गए थे। तो राम का नाम तो सब लेते हैं, रोज सब लोग भगवान राम की आरती करते हैं और हम सब राम के वंशज हैं हम लोग। तो ऐसे में जिस तरह से टारगेट किया गया, कल हम सब भी दिवाली मनाएंगे, सब लोग अपने घरों पर भगवान राम का झंडा लगा रहे हैं। और इसीलिए लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग भी, क्योंकि हम राम के नजदीक हैं और ज्यादा नजदीक है, राम की पूजा करते हैं। बीजेपी के लोग भी राम को मानते हैं, हम भी मानते हैं, ऐसा तो ना राम को कोई नहीं मानता, सब मानते हैं। ऐसे में भगवान राम को लेकर जिस तरह से टारगेट कांग्रेस को किया जा रहा है, ये पाप है बेवजह। भगवान राम लला की मूर्ति आप पता कर लेना, सबसे पहले स्थापित करने में पंडित नेहरू का नाम है जिन्होंने स्थापित की। भगवान राम की पूजा मंदिर के ताले खुलवाकर राजीव गांधी ने शुरू करवाई। भगवान राम के भक्त महात्मा गांधी खुद, सबसे प्रिय भजन है महात्मा गांधी का के वैष्णव जंतो तेने कहिए पीर पराई जाने, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। मतलब भगवान राम के लिए महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन, जिसमें महात्मा गांधी खुद राम के बिना तो बात ही नहीं करते थे। और हम तो खुद राम के वंशज हैं, हम लोग कछावा वंश के क्षत्रिय हैं। मैं खुद 22 तारीख को जाना चाहता था, लेकिन 22 तक इनका कब्जा है। बीजेपी ने अपना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, बीजेपी का इवेंट ही माना जाएगा। आप राम मंदिर बना रहे हैं तो देश पर एहसान नहीं कर रहे। कल हम भी दिवाली मनाएंगे, जय सिया राम हम भी रोज सुबह करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो नहीं करता। आपने भगवान राम के मंदिर के नाम से चंदा इकट्ठा किया, 3,200 करोड़ रुपए आप खुद बता रहे हैं हमने इकट्ठे किए बीजेपी वालों ने, और उसके ब्याज से ही आपका मंदिर बन जाएगा, फिर भी पैसे आपके बचेंगे। आपने वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है वहां, और जब मंदिर का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का भगवान राम के लिए, तो राम की कृपा से वो आया। सब पक्षों ने लिखकर दे दिया, इकबाल अंसारी जो मुस्लिम पक्ष के अगुवा थे उन्होंने लिखकर दिया कि राम के मंदिर का भी यदि आप फैसला करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकायदा एफिडेविट लिया, पहले सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट लिया, उसके बाद ही तो फैसला आया। ये फैसला कोई लोकसभा में बीजेपी ने नहीं किया है कि यहां राम मंदिर बनेगा, वो फैसला उनका है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्होंने कहा यहां मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी। लेकिन जिस ढंग से ये टारगेट किया गया, इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि हम चाहते थे 22 तारीख को जाए, अब कल 22 तारीख है, हमें तो बुलावा आया नहीं और उन्होंने रोक लिया, हमें उनके बुलावे की जरूरत भी नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं 25 को जाए या उसके बाद जाएंगे। पूरे राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता जो भी अधिकतर राम के भक्त है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, वो सब भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने जाएंगे अयोध्या में।